जनपद हरदोई के ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित गौवंशों के संरक्षण हेतु 105 गौ आश्रय स्थल खोले गए हैं, जिनमें 13,225 पशु संरक्षित हैं, जो 270 हेक्टेयर भूमि पर बने हुए हैं। सभी केंद्रों के चारों ओर सुरक्षा खाई खुदवाकर तार बार लगाए गए हैं, ताकि संरक्षित पशु आश्रय स्थल से बाहर न जाने पाए। पशुओं को धूप आदि से बचाव हेतु यथा आवश्यक टीन शेड की व्यवस्था कराई गई है। सभी गौशाला के समस्त गौवंशों की टैगिंग की गई है। पशुओं को पीने हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सभी केंद्रों पर पक्के टैंकों का निर्माण कराया गया है, तथा चारा खाने के लिए आवश्यकता अनुसार चरनी बनाई गई है। गौ आश्रय स्थलों पर चारा काटने की मशीन भी संचालित है। इसके साथ ही प्रत्येक गौशाला पर भूसा भंडार घर का निर्माण कराया गया है, जहां फसल कटाई पर आवश्यकता अनुसार भूसा पूरे वर्ष के लिए स्टोर करा लिया जाता है। गौ वंशों को वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध रहे, इस हेतु हाइब्रिड नेपियर घास की रोपाई की गई। प्रत्येक गौ आश्रय स्थलों पर वर्मी कंपोस्ट संयंत्र बनाए गए हैं, जहां गौ वंशों से प्राप्त गोबर से उच्च गुणवत्ता वाली वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कराई जा रही है। गौशाला के गोबर एवं गौमूत्र से जीवामृत एवं घन जीवामृत का उत्पादन प्रारंभ किया गया है, जिसको प्राकृतिक खेती हेतु उद्यान व वन विभाग को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही गौशालाओं से स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर उन्हें गोबर के गमले बनाने का प्रशिक्षण दिलाकर गमले तैयार कराए जा रहे हैं, जिससे जहां एक ओर गौशाला को आय होगी, वहीं समूह की महिलाओं को जीवोपार्जन हेतु साधन उपलब्ध होंगे। साथ ही केंद्रों में उपलब्ध तालाबों पर समूह द्वारा मछली पालन का कार्य भी किया जा रहा है।